हेलो दोस्तों, मैं हूं 499 और आपसे कैसे स्वागत है वापस से मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लैक मेथ वुकोंग द बंदर राजा। एंड ये गेम एक ऐसी गेम है जिसके लिए कई लोग हाइप थे, एंड आई थिंक सो आई कैन कॉल इट दैट कि ये गेम टोटली वर्थ करती थी दैट हाइप, क्योंकि ये गेम वन ऑफ द बेस्ट गेम है इस साल की, दैट्स आई कैन डेफिनेटली से। इवन तो मैंने फाइनल फैंटेसी 7 रीमेक जैसी गेम खेली और रीबर्थ अभी खेली नहीं है, तो मैं कुछ कंपेयर नहीं कर सकता, बट जितनी भी गेम खेली है आई थिंक सो अभी के लिए ये फाइनल फैंटेसी 7 रीमेक के लिए के आसपास ही रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों मैं दोनों को ही ऐसा रिव्यू दूंगा कि मतलब जैसा मुझे फील हुआ कि वो वर्थ इट हैं दोनों गेम। अगर आप लोग PS5 पे खेलते हो, ग्राफिक क्वालिटी भी अच्छी है, फिर इसका खासकर वुकोंग का इसमें क्या कहते हैं कॉम्बैट जो है वो काफ़ी शानदार है। मैंने कभी सोल्स लाइक गेम ऐसी खेली नहीं है, तो मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता और गेमों से, बट रिसेंटली मैंने थोड़ी सी सोल्स टाइप गेम, मतलब हल्की फुल्की सोल्स टाइप जो होनी चाहिए, जैसे राइज ऑफ रोनन और स्टाइल ऑफ ब्लेड, ये खेली थी, तो आई कैन कंपेयर इट टू देम दैट या ये गेम जो थी ना उनको कई गुना ज़्यादा अच्छी है उनसे। लाइक अगर वो 7 हैं तो ये 10 है ईजिली। एंड मैं क्या ही बोलूँ इस गेम के बारे में, मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि जो प्राइस पॉइंट पे रिलीज़ की है वो तो नेक्स्ट लेवल है सोनी ने, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे इतनी अच्छी गेम देना आजकल कोई डेवलपर देता ही नहीं है। आजकल तो कॉल ऑफ ड्यूटी 5,500 की हो गई, आई थिंक 4,000 की थी अगर मैं गलत नहीं हूँ इंडियन रुपीज में, तो विच इज़ टोटली ऑन द बेस्ट साइड। एंड ये गेम डेफिनेटली वर्थ करती है 4,000 रुपये। अगर कुछ आपको लोकल सेलर वगैरह से मिल जाए तो सस्ती मिल जाए तो वो बात अलग है, वो आपकी चॉइस है लेना, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अगर मेरे हिसाब से बोलोगे तो ये क्या 4,000 टोटली वर्थ इट करती है? हाँ डेफिनेटली ये वर्थ इट करती है। इसका जो गेम प्ले है, इसकी स्टोरी में भी थोड़ा वीक साइड में है दैट आई कैन से, बट जो इसका गेम प्ले है, मैकेनिक्स हैं, मूवमेंट है, सब नेक्स्ट लेवल है, सब नेक्स्ट लेवल है। इसको खेलने के बाद अब मेरा मन है थोड़ा और सोल्स लाइक गेम खेलने का, बट सिंस हमारे पास अभी टाइम की कमी है तो वी रियली कांट प्ले, क्योंकि हमें ड्रैगन बॉल दी बुडुकाई टेंकाची 2-3 कंप्लीट करना, फिर 4 आ जाएगी, फिर एस्ट्रोबॉट आ रही है अभी आज से, जिस दिन शायद ये वीडियो जारी होगी उससे 3 दिन बाद एस्ट्रोबॉट आ जाएगी। एंड तो हम लोग डायरेक्टली मतलब पूरे बिजी हैं, तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है सोल्स टाइप किसी भी गेम में जाने का। मेरा मन तो है मैं ब्लड बोन में और डीमन सोल्स में जाऊँ, मैंने डीमन सोल्स खरीद रखी है लॉन्च डे से, जब PS5 लॉन्च हुआ था इंडिया में, मेरे पास डिस्क पड़ी अभी तक उसकी, बट मैंने कभी इंस्टॉल भी नहीं की अपने PS पे, तो दैट्स वन थिंग। मैं इसको इंस्टॉल इसलिए नहीं कर रहा था, मैं चाहता नहीं था कि मैं रेज में थोड़े उसके मतलब कंट्रोलर वंट्रोलर कहीं फेंक दूँ या कोई मॉनिटर तोड़ दूँ, तो वैसे मैं करता नहीं हूँ, यूजली करता नहीं हूँ, बट अगर एक लिमिट होती है ना हर बंदे की, तो अगर वो लिमिट अगर गलती से पार हो जाती तो फिर यू नेवर नो कुछ क्या हो जाता तो इसलिए मैंने कहा इससे अभी दूर ही रहता हूँ। एंड इस गेम में हाँ थोड़ी फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ है, जैसे लाइक इसमें मैप होता तो अच्छा होता या फिर कुछ ऐसा होता, लेकिन तब भी ऐसा मतलब फील नहीं होता, क्योंकि ये गेम मतलब इतनी भी ओपन वर्ल्ड नहीं है जैसे एल्डर रिंग है, बट जो लास्ट चैप्टर है इस गेम का वो टोटली ओपन वर्ल्ड है, तो उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लगा इधर उधर बॉस ढूंढने में, मेन बॉस, तो उसमें मैंने 2 साइड बॉस को भी हरा दिया, फिर सारे मेन बॉस को भी हरा दिया। अब तो मैं एंड कर चुका हूँ गेम, तो इसलिए मैं रिव्यू बना रहा हूँ। मैं कुछ लोगों की तरह मतलब कुछ इंडियन यूट्यूबर जो 1-1.5 घंटा खेलते हैं गेम और रिव्यू डाल देते हैं, मैं वैसा नहीं करता व्यूज़ के लिए, व्यूज़ आ जाएंगे लेकिन मेरे को वो फील नहीं आएगी कि मैं रिव्यू दे रहा हूँ गेम का, मेरे को लगेगा बस मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, पैसे अर्न करने के लिए कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट डूइंग दैट फॉर दैट, आई एम डूइंग इट फॉर द पर्पस कि मैं समझा पाऊँ लोगों को कि गेम कैसी है और क्या मैं बोल सकूँ इसके बारे में। तो ऑल आई कैन से इसका कॉम्बैट बेस्ट है अभी तक जो इस साल में गेम आई है। रीबर्थ मैं वापस बोल रहा हूँ, फाइनल फैंटेसी रीबर्थ का मैं अभी कंपेयर नहीं कर सकता, मैंने अभी तक गेम खेली नहीं है, मैं खेलूँगा ज़रूर बट कब खेलूँगा वो मुझे आइडिया नहीं है। एंड कॉम्बैट बेस्ट है, जो मूवमेंट है वो भी एक नंबर है, सब कुछ एक नंबर है, तो मेरी तरफ से तो इस गेम को मैं दूंगा 10 out of 10। म्यूजिक भी एक नंबर है, बस हाँ एक बॉस फाइट में कॉपीराइट लगता है, तो दैट्स ओनली माइनस पॉइंट, एंड थोड़ी सी स्टोरी और मैप का चक्कर है, लेकिन स्टिल दिस गेम इज टोटली डिजर्विंग गेम ऑफ द ईयर, आई थिंक सो दिस गेम माइट गेट गेम ऑफ द ईयर दिस ईयर, आई एम नॉट 100% श्योर बट हो सकता है। और उसके अलावा तो मैं यही बोल सकता हूँ, अगर आप लोगों को 4,000 में मिल रही है गेम और आपको सोल्स टाइप गेम पसंद है तो डेफिनेटली बाय इट,
तो ये था आज का रिव्यू कि ये गेम जो है टोटली वर्थ इट है, 10 out of 10 है। एंड जो कई लोगों ने रिव्यू दिए हैं 7, 3 ऐसे, तो उन पे ध्यान मत देना क्योंकि वो मेरे हिसाब से थोड़े बायस थे, उनको पैसे नहीं मिले तो उन्होंने रिव्यू नहीं दिए। कुछ ऐसा है क्योंकि उन्होंने स्टार वॉर जैसी गेम को इतना अच्छा रिव्यू दिया है और उससे नीचे वूकोंग को रखा है, तो आई रियली कांट से यार उनको पैसे नहीं मिले, मेरे को तो यही लग रहा है। और तो मैं क्या ही बोलूँ, एंड आई गेस दिस मार्क्स दी एंड। एंड मैं इस जो ये रिव्यू वाली वीडियो उसमें मोस्टली मैं बॉस फाइट ही रखने वाला हूँ जो चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में रही हैं, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन। एंड उसका जस्ट एक रीज़न है कि मैं ज़्यादा स्पॉइल करना नहीं चाहता हूँ आपको लेटर पार्ट ऑफ द गेम, बट हाँ इसमें एक इशू है PS5 पे कि फ्रेम ड्रॉप है, कुछ कुछ जगहों पे फ्रेम ड्रॉप है, बट वो फाइट के बीच में इतनी नहीं है कि आपको मतलब ज़्यादा मैटर करें। तो आप खेल सकते हो बट स्टिल देयर इज फ्रेम ड्रॉप ऑन परफॉर्मेंस मोड, तो जस्ट बी लुक आउट ऑन फॉर दैट। होपफुली ये फिक्स कर दें तो और भी अच्छी पार्ट हो जाएगा गेम का, बट जो उसका जो चीज़ें हैं वो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस ईयर हैं, तो आई रियली कांट कंप्लेन दैट। तो लेट्स गो फॉर द स्टार वॉर्स रिव्यू नेक्स्ट, एंड वो आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा जब मैं गेम कंप्लीट कर दूंगा। बट अभी के लिए Peace 499 आउट।